हाथों में गुलदस्ता और चेहरे पर मुस्कान, वफादारी का इनाम ही तो है। इनाम है पार्टी के लिए ईमानदार और वफादार रहने का, और इनाम है त्याग का। ये है डॉक्टर राधा मोहन दास, जिन्हें बीजेपी ने दिया है राज्यसभा का टिकट। ये वही विधायक हैं जिन्हें योगी की वजह से विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान 20 सालों तक विधायक रहने के बावजूद भी टिकट नहीं मिला। इनके जगह शहर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव मैदान में उतारा गया। जब डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का टिकट कटा तो उनके राजनीतिक भविष्य के ऊपर कई तरीके की चर्चाएं होने लगी। कहा जाने लगा कि अब इनका राजनीतिक भविष्य दांव पर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके उचित फैसले लेने की वजह से इनको एक भरोसा दिया, और इसी भरोसे का इनाम आखिरकार इन्हें मिल गया। इसी का नतीजा रहा कि विधायक ने नाराजगी नहीं जताई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार में जुट गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनके समर्पण पर बीजेपी इतनी मेहरबान हुई कि राज्यसभा का टिकट गिफ्ट कर दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1976 में MBBS और 1981 में पीडियाट्रिक्स में MD की डिग्री हासिल करने वाले राधा मोहन कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय रहे। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल 2002 से 2022 तक विधायक रहे हैं। वो विधानसभा का चुनाव 5 बार जीते और हर बार जीत का अंतर बढ़ता गया। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटे थे, लेकिन शहर विधानसभा क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। चुनाव जीतकर डॉक्टर राधा मोहन सिंह पहली बार विधानसभा जब पहुंचे, इसके बाद 2007 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007 से लेकर 2017 तक बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर अग्रवाल ने लगातार 3 बार गोरखपुर शहर सीट पर जीत दर्ज की। वहीं अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़े हलफनामे के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा इनके पास प्रॉपर्टी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ शहर सीट से ही चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने, तभी से चर्चा थी कि बीजेपी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को इनके बदले बड़ा इनाम देगी। अब उन्हें सीधे राज्यसभा के लिए टिकट मिल गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।